आयकर विभाग की टीम ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ और सलाहकार राजेंद्र कुमार मिगलानी के दिल्ली स्थित आवास व इनसे जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा। देर रात करीब 3 बजे दिल्ली से आए 15 से अधिक अधिकारियों की टीम कक्कड़ के स्कीम नंबर 74 स्थित निवास पर पहुंची। इसके साथ ही विजयनगर स्थित शोरूम, बीएमसी व्हाइट स्थित ऑफिस, सीलामार टाउनशिप और जलसा गार्डन, भोपाल स्थित घर श्यामला हिल्स, प्लेटेनियम कॉलोनी सहित अन्य स्थानों पर भी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि सर्विस के दौरान कई जांच चल रही थी। कार्रवाई में भोपाल में प्रतीक जोशी के घर से 10 करोड़ रुपए नकद राशि मिलने की बात सामने आ रही है। इन्हें प्रवीण कक्कड़ से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम अपने साथ दिल्ली से ही सीआरपीएफ की टीम को लेकर आई थी। स्थानीय पुलिस को भी इस बात की भनक नहीं लगने दी कि वह कार्रवाई करने वाले हैं। इस पूरी कार्रवाई में निजी ट्रेवल एजेंसी की गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। कक्कड़ जब पुलिस अधिकारी थे तभी उनके खिलाफ कई मामले सामने आए थे। वे सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। जब आयकर विभाग की टीम देर रात पहुंची तो उनके परिवार के लोग घबरा गए थे। जब उन्हें पुख्ता हो गया कि ये सभी आयकर के अधिकारी हैं तो उन्होंने जांच में सहयोग दिया। न्यूज़ इंडिया ए9 से दीपक झाला की रिपोर्ट।